नमस्कार दोस्तों, न्यूयॉर्क शहर से 7 नवंबर 1872 को मैरी सेलेस्टे नाम का जहाज निकला। रहस्य से भरा यह जहाज। किसी को पता नहीं था कि बहुत जल्द यह समुद्री इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक बन जाएगा। साल 1872 का था। मेरी सेलेस्ट नाम का एक जहाज विशाल अटलांटिक महासागर के पार एक रूटीन यात्रा पर निकला। यह एक ऐसा सफर था जो पहले भी कई जहाज कर चुके थे। मेरी सेलेस्ट एक ब्रिगेंटाइन था, 2 मस्तूल वाला एक जहाज। वो बहुत मजबूत और भरोसेमंद था। वो अपने साथ व्यावसायिक शराब लेकर जा रहे थे, जो इटली के जेनोआ जाना था। यात्रा हर बार की तरह शुरू हुई, रोमांच के वादे और समुद्र में जीवन की जानी पहचानी लय के साथ। उन्हें क्या पता था कि उनका यह सफर एक न खत्म होने वाला समुद्री रहस्य बन जाएगा। कप्तान ब्रिग्स, एक अनुभवी नाविक, ने यात्रा के लिए पूरी तैयारी की थी। वो बहुत ही अनुशासित तरीके से जहाज चलाते थे। उनके क्रू में अनुभवी और जवान दोनों तरह के लोग थे, जो समुद्र में जीवन की कठिनाइयों से बने रिश्ते में बंधे थे। वो खुले समुद्र की चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार थे। जैसे ही मेरी सेलेस्ट लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ा, सूरज डेक पर चमक रहा था और हवा से पाल पूरी तरह फूली हुई थी। जहाज पर जिंदगी अपनी एक लय में चल रही थी। नाविक अपने काम बहुत ही कुशलता से कर रहे थे। कप्तान ने दिशा तय की। उनकी नजर लगातार क्षितिज पर टिकी हुई थी। उनकी पत्नी और बेटी, जो एक नाविक परिवार के घुमंतू जीवन की आदी थीं, उन्हें जहाज के हल्के हिलने में खुशी मिल रही थी। इस बात का कोई संकेत नहीं था कि उनकी यात्रा एक भयानक मोड़ लेगी, कि मेरी सेलेस्ट जल्द ही समुद्री इतिहास के सबसे जटिल रहस्यों का पर्याय बन जाएगा। हफ्तों बाद डीईआई ग्रेशिया, एक ब्रिटिश ब्रिगेंटाइन, भी अटलांटिक महासागर में सफर कर रहा था। उसके कप्तान डेविड मोरहाउस ने दूर एक जहाज को देखा। यह मेरी सेलेस्ट था, जो बिना किसी दिशा के बह रहा था, अकेला। मोरहाउस को यह अजीब लगा। उन्हें पता था कि मेरी सेलेस्ट को तो अब तक जेनोआ पहुंच जाना चाहिए था। उन्होंने अपने क्रू को सावधानी से जहाज के पास जाने का आदेश दिया। जैसे जैसे वे पास आते गए, डीईआई ग्रेशिया पर बेचैनी छाती गई। मेरी सेलेस्ट भयानक रूप से शांत था। उसके पाल आधे खुले हुए थे और वह बिना किसी मकसद के बह रहा था। मोरहाउस ने एक टुकड़ी को जांच के लिए भेजा। उन्होंने पाया कि मेरी सेलेस्ट पूरी तरह खाली था। क्रू या कप्तान के परिवार का कोई नामोनिशान नहीं था। सब कुछ व्यवस्थित था, लेकिन हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। जहाज की लॉगबुक से भी कोई सुराग नहीं मिला। उसकी आखिरी एंट्री कई दिन पहले की थी। सारा सामान सही सलामत था और लोगों का निजी सामान भी ज्यों का त्यों रखा हुआ था। खाने और पानी की भी कोई कमी नहीं थी। इस बात का कोई संकेत नहीं था कि कोई संघर्ष हुआ था या क्रू को जहाज छोड़ने की कोई वजह थी। हालांकि लाइफबोट गायब थी। डीई ग्रेशिया के क्रू ने हर जगह ढूंढा। उन्होंने होल्ड में, केबिन में, यहां तक कि क्रो नेस्ट में भी चेक किया। लापता लोगों का कोई पता नहीं चला। जहाज पर केवल एक बिल्ली और पिंजरे में बंद कई पंछी ही जीवित थे। जहाज का क्रोनोमीटर, जो नेविगेशन के लिए बहुत जरूरी होता है, टूटा हुआ था। सेक्सटेंट, एक और नेविगेशन उपकरण, गायब था। गैली बिखरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे खाना बीच में ही छोड़कर भागना पड़ा हो। लाइफबोट का एक डेविट अपनी जगह पर नहीं था। इससे पता चलता है कि लाइफबोट को जल्दी में उतारा गया होगा। मेरी सेलेस्ट पर भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। मेरी सेलेस्ट की भयानक खोज की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। समुद्री दुनिया हैरान रह गई। समुद्र के बीच में एकदम सही सलामत लेकिन खाली जहाज कैसे हो सकता है? इस रहस्य को सुलझाने की हर कोशिश के साथ ये और भी गहरा होता गया। मेरी सेलेस्ट समुद्र की अप्रत्याशित प्रकृति और उसकी लहरों के नीचे छिपे रहस्यों का एक भयानक प्रतीक बन गया। इस खाली मेरी सेलेस्ट की खोज ने समुद्री दुनिया में सनसनी फैला दी। दुनिया भर के अखबारों ने इस भूतिया जहाज के बारे में लोगों को डरावने किस्से छापे। कोई पक्का जवाब न होने की वजह से तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। मेरी सेलेस्ट का रहस्य एक वैश्विक घटना बन गई। इसने हर वर्ग के लोगों की कल्पनाओं को मोह लिया। क्रू के गायब होने के पीछे की वजह जानने के लिए तर्कसंगत से लेकर अजीबोगरीब तक कई तरह के सिद्धांत दिए गए। कुछ लोगों ने विद्रोह या चोरी का शक जताया। हालांकि कोई हिंसा के निशान नहीं मिले और सामान भी ज्यों का त्यों था, जिस वजह से ये बात सही नहीं लगती थी। दूसरों ने अनुमान लगाया कि हो सकता है एक विशाल लहर या समुद्री तूफान ने क्रू को बह दिया होगा। हालांकि अनुभवी नाविकों को जहाज की मजबूती को देखते हुए ऐसा होना संभव नहीं लगा। मेरी सेलेस्ट एक खाली कैनवास बन गया, जिस पर लोगों ने अपने डर और कल्पनाओं को उकेरा। मेरी सेलेस्ट की हालत ने रहस्य को और भी गहरा कर दिया। जहाज आश्चर्यजनक रूप से अच्छी स्थिति में पाया गया था, जिसमें किसी भी तरह के नुकसान या संघर्ष के कोई निशान नहीं थे।
पाल आधे खुले हुए थे और सामान सही सलामत था। क्रू और कप्तान के परिवार का निजी सामान भी ज्यों का त्यों रखा हुआ था। खाने और पानी का भी इंतजाम था। जहाज की लॉगबुक हालांकि कोई निश्चित जवाब नहीं दे पाई, लेकिन इसने एक अचानक और अस्पष्टीकृत घटना की तरफ इशारा जरूर किया। आखिरी एंट्री जो डीआई ग्रेशिया के जहाज से टकराने से कई दिन पहले की थी, उसमें भी कुछ भी असामान्य नहीं लिखा था। मेरी सेलेस्ट, जो कभी मानवीय महत्वाकांक्षा और अन्वेषण की भावना का प्रतीक था, समुद्र में जीवन की नाजुकता के भूतिया अनुस्मारक में बदल गया। जहाज की कहानी एक सबक के रूप में काम करती है, जो याद दिलाती है कि प्रगति और तकनीकी प्रगति के युग में भी समुद्र एक शक्तिशाली और अप्रत्याशित शक्ति बना हुआ है। मेरी सेलेस्ट का भाग्य इस बात का एक कठोर अनुस्मारक था कि समुद्र अपनी सुंदरता और आकर्षण के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी गहराइयों में ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिन्हें शायद कभी पूरी तरह से समझा नहीं जा सके। दोस्तों, आप देख रहे थे ट्रेंड इंटेल। ऐसी ट्रेंडिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाएं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना ना भूलेगा। अगला वीडियो आप कौन सा टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।